पेट भर कर दूध ना पिलाएं तो ये कमज़ोर हो जाते हैं। कमज़ोर होने की वजह से ये मिट्टी खा लेते हैं और ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो जितना ज़्यादा बांध 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 चालू अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। मैं आपको मेहरबान मोहम्मद अदीम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मुल्तान एनिमल्स टीवी। आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह भैंस का दूध जो है उसका बच्चा पी रहा है। इन्फॉर्मेटिव वीडियो इसलिए कि आज मैं आपको बताऊंगा कि छोटे बच्चों को जो है ना वो कितना हम दूध पिलाते हैं। हमारे यहाँ ना भैंस के दो थान, अगला और पिछला, हम ये दो थान जो है वो बच्चे को पिलाते हैं और दो थान जो है उसमें से दूध निकाल लेते हैं, यानी कि चुवाई कर लेते हैं। अगर भैंस का दूध कम हो तो फिर हम सारा का सारा दूध जो है वो बच्चे को पिला देते हैं, जो भैंस का बच्चा होता है, कट्टो या कट्टी जो भी है। अगर बचपन में हम इनको पेट भर कर दूध ना पिलाएं तो ये कमज़ोर हो जाते हैं। कमज़ोर होने की वजह से ये मिट्टी खा लेते हैं और ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो जितना ज़्यादा दूध पिलाएंगे ये उतने ही ज़्यादा सेहतमंद रहेंगे। जो दोस्त नए हैं हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में बने घंटी के निशान को भी प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक पहुंच सके। तो ये देखें माशाल्लाह खूबसूरत बच्चा है जी, बिल्कुल ब्लैक। ये भैंस तकरीबन 30 रेस हुए सूई है, कोई 5 से 7 दिन हुए हैं इसने बच्चा डिलीवर किया है। ये देखा माशाल्लाह बिल्कुल हेल्दी बच्चे, चेक कर सकते हैं। और ये ब्रीड जो है वो नीली रावी मिक्स होती है, मिक्स है, यानी कि प्योर जो है वो नीली रावी नहीं है, क्योंकि भैंस जो होती है वो नीली की होती है और जोटा जो होता है वो रावी का होता है, तो ब्रीड जो होती है वो क्रॉस में आ जाती है। इसलिए हमारे इलाकों में जितनी भी भैंस हैं वो नीली रावी मिक्स है, प्योर नीली या प्योर रावी में आपको कहीं नहीं मिलेगी। बाकी ये पीछे से चेक कर सकता हूँ, दूध की चुवाई कर ली, अभी बच्चे जो है वो पी रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल ब्लैक,
तो वीडियो करते हैं एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें, और जो दोस्त नए हैं हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप दोस्तों तक पहुंच सके। तो मिलते हैं कल वाली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अब तेरी खैर होगी। तू वड़ी नो अन्ना एने मैं थार ते इंटरव्यू देना। ये बहुत ही चंगी गड़ापी है।